हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाई तबसुम दिस इज सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि आपकी डे टू तो डे लाइफ में काफ़ी यूज़ होते हैं तो आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करके अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव बना सकते हो सो लेट्स कर स्टार्टेड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें बेलाइकॉन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल वीडियोज़ आप तक ईजीली पहुँचती रहे एंड हाँ डोंट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो अगर आपका भी कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू सो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है गाइज आप देख सकते हैं जूस को हल्के हल्के पियो तो अगर आपको किसी से बोलना हो कि जूस को या फिर किसी भी चीज को हल्के हल्के पियो सो so, उसको आप बोल सकते हैं सिप द जूस स्लोली सिप द जूस स्लोली तो यहां पर जूस की जगह आप कोई भी जो है लिक्विड चीज को बोल सकते हैं चलिए नेक्स्ट है उसे मत मारो तो उसे मत मारो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट किल हिम या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट किल हिम चलिए आगे बढ़ लेते हैं राहुल सिगरेट पीने का आदि हो गया है आदि का मतलब कि उसको लत लग गई है तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राहुल हैज़ बीन अडिक्टेड टू स्मोकिंग राहुल हैज़ बीन अडिक्टेड टू स्मोकिंग चलिए बढ़ लेते हैं आगे मैं छह महीनों के बाद तुम्हारा चेहरा देख पाया तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कुड सी योर फेस आफ्टर अफ सिक्स मंथ्स आई कुड सी योर फेस आफ्टर अफ सिक्स मंथ्स चलिए बढ़ लेते हैं आगे मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई शुड कन्फेस माई फॉल्ट आई शुड कन्फेस माई फॉल्ट नेक्स्ट है सच कहूँ तो मैं बहुत उदास हूँ तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी सैड और अगर आपको कहना हो कि सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ हो सकता है आप उदास की जगह खुश हो तो आप कह सकते हैं टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं नेक्स्ट है मैंने उसके साथ क्या गलत किया है तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे वट रोंग हैव आई डन टू हिम वॉट रोंग हैव आई डन टू हिम नेक्स्ट है दूसरों की नकल मत करो तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट कापी अदर्स डोंट कापी अदर्स नेक्स्ट है मैं बाईस साल का हो गया हूँ या फिर यहाँ पर आप कोई भी एज बता सकते हैं सो so, मैं बाईस साल का हो गया हूँ इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टर्न ट्वेंटी टू आई हैव टर्नड ट्वेंटी टू नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है मोहित आसपास नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर किसी का भी नेम ले सकते हैं या फिर आप यू भी बोल सकते हैं अगर आप यू बोलेंगे तो यू के साथ आर लगेगा लेकिन यहाँ पर हमारा जो है मोहित है तो इसको हम कह रहे हैं मोहित इज़ नॉट सीन अराउंड मोहित इज़ नॉट सीन अराउंड तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने टेन डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज डिस्कस किए हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हाँ फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज़ बलाइकोन को प्रेस कर लें सब्सक्राइब लेट चैनल चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड इफ यू नीड पी डी एफ ऑफ दिस वीडियो तो यू कैन ऑल्सो जॉय मे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहाँ पर आपको ये पी डी एफ मिल जाएगी तो चलिए अपना मोस्ट फेवरेट वाला सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा आपने आज कितने सेंटेंस सीखे हैं जो आप इजी लगे हो वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं सो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब सी नेक्स्ट वीडियो बी लर्नर एंड लर्न इंग्लिश थैंक यू एंड गुड बाय